नमस्कार दोस्त, नाम मेरा प्रमोद मौर्य, रहने वाला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लुधियाना शहर पंजाब में। दोस्तों, ये वीडियो आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख देने वाली है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। एक दोस्त मेरे में बचपन के दोस्त मिले और उनका एक सवाल था, कहते हैं प्रमोद जी, आज मैं देख रहा हूँ लगभग हमारा आपका जो संपर्क था वो टूटे हुए लगभग 15 साल हो चुका है, और 15 साल में आप इतने आगे तक चले गए और आज मैं वहीं पर पड़ा हूँ, कारण क्या है इसमें? हमने कहा बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने बोली। हमने कहा देखो दोस्त, बचपना सबका एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। आप और हम दोनों एक जैसा पैदा हुए। बचपन में हर एक बच्चा मिट्टी खाता है, बिस्तर पर साफ करता है, तिलियाँ पकड़ता है, कीचड़ में खेलता है, मिट्टी में गिरता है। सभी बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में। हमारी आपकी सबकी यही कहानी है, बचपन में सबका बचपना एक जैसा होता है, साला जवानी अलग अलग कैसे हो जाती है? जब हम बड़े होते हैं तो अलग अलग कैसे हो जाते हैं हमारे सिस्टम? इन सब का मैं एक ही नाम लेना चाहूँगा, वो है एजुकेशन। जी हाँ, लर्निंग। बचपना एक जैसा था, हर बच्चा बचपन में बिस्तर पर पेशाब करता है, तितलियाँ पकड़ता है, मिट्टी में गिरता है, मिट्टी को खाता है, खाना खाते समय उल्टियाँ करता है, पेंसिल से दीवारों को गंदा करता है। सबका बचपना ऐसा होता है। और स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भी हम एक जैसे ही पढ़ाई करते हैं, LKG, UKG, नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी कैसे। लेकिन जब हम जवान होते हैं तो अलग अलग कैसे हो जाता है सिस्टम सर? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे कहा तो मैंने उसको बोला, सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा काम एक ही है, लर्निंग, एजुकेशन। आपका और हमारा स्कूली एजुकेशन अलग होता है, जो सामाजिक एजुकेशन होता है, जो सामाजिक बातें होती हैं, जो सामाजिक ज्ञान होता है, वो सबका अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं। स्कूल का ज्ञान और सामाजिक ज्ञान दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। तब उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया 15 साल में इतने आगे निकल गए, मैं वहीं रह गया। मैंने कहा दोस्त, आप लर्निंग मोड में नहीं आए, आप उसी काम को करते रहे, उसी काम को करते चले गए जिस काम को आपके दादा बाबा ने किया। आप अपने रास्ते को चेंज नहीं किए, अपना पैटर्न आपने चेंज नहीं किया, आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाए, आप समय के साथ नहीं चले, उसी पैटर्न पर जिंदगी बिताने लग गए जिस पैटर्न पर दादा और पापा ने बिताया था। दोस्त, आपको अपने जीवन का पैटर्न बदलना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो, नहीं तो वही जीवन उसी तरह आपका भी बीत जाएगा जिस तरह आपके पापा जी का बीत गया, दादाजी का बीत गया। बदलना पड़ेगा, हर एक इंसान कामयाब हो सकता है। आपको क्या बनना है सबसे बड़ा सवाल है, आपको बनना क्या है, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो? क्या आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के साथ रहना पड़ेगा। क्या आप अच्छा वकील बनना चाहते हो, आपको वकील के साथ रहना पड़ेगा। आप एक अच्छा पुलिस बनना चाहते हो, इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आपको पुलिस वाले के साथ रहना पड़ेगा। आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ रहना पड़ेगा। यानी जो चीज़ आप बनना चाहते हो उस लाइन की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, रीड करनी पड़ेगी, और उन माहौल में जाना पड़ेगा, वैसे लोगों के साथ में आपको रहना पड़ेगा, आप जैसा बनना चाहते हो। लेकिन आपने तो कुछ बनने को सोचा ही नहीं आज तक, अपने पापा और दादाजी के बताए हुए रास्ते पर चले और वहीं पर उसी तरह रह गए। आपको बनना क्या है, जाना कहाँ जीवन में, क्या सपने आपके? उस तरह की बुक को पढ़ो, ऐसे माहौल में जाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो। अगर आप कार चलाना चाहते हैं तो कार वाले के साथ में रहो, कार वाले ड्राइवर से मिलो, बाइक वाले से नहीं। ट्रक चलाना है तो मारुति वाले से मत पूछो ट्रक कैसे चलेगी, ट्रक वाला ही बता सकता है आपको कैसे ट्रक चलेगी। JCB चलानी है आप ट्रैक्टर वाले से मत पूछो JCB कैसे चलेगी। आप बनना क्या चाहते हो डिसाइड तो करो ना, रास्ता तो खोजो ना, बन जाओगे आप, 100% बन जाओगे।
इस धरती पर वो सब कुछ इंसान कर सकता है जो वो चाह लेता है। एक बार आपने चाह लिया, उस रास्ते पर निकल पड़े, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, ज़रूर उस चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर दिल से, शिद्दत से करेंगे तो, तन मन से करेंगे तो। दोस्त, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो, लगता है इन बातों से आपको कुछ जानकारी अच्छी मिली हो, आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोकना नहीं, अपने दोस्तों को शेयर करना। व्हाट्सअप, फेसबुक द्वारा उनको शेयर कीजिए, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी आगे जाने का रास्ता मिले, खुले, वो जो बनना चाहते हैं वो बने, बन सकते हैं। एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो तो मोटिवेशनल स्पीकर से मिलो, उसकी वीडियो देखो, रीड करो।